फर्स्ट बार, मतलब ये तो कई बार आए हैं पर हम फर्स्ट बार आए हैं और आज खाएंगे रसगुल्ला। ज्यादा दिन से मन कर रहा था। हेलो गाइस, सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:03 एंड गाइज अभी मैं नहा वहाकर बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और गाइज इधर हमारी प्यारी सी मम्मी जी अपना पूजा वाला थाली लगा लिए। तो गाइज सबसे पहले मम्मी जी को प्रणाम करते हैं। खुश रहा बाबू, खूब सुखी रहा, खूब तोहर लम्बा उम्र हो। गुड मॉर्निंग बच्चो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? आओ हम लोग मिलकर पूजा करना बच्चों, पूजा करने से बहुत आनंद आता है। तो गाइस सुबह सुबह हवा काफी तेज चल रहा है एंड गाइस इंट्रो के लिए हम लोग इधर आ गए और इधर का लोकेशन काफी प्यारा लगता है गाइस मुझे, आप लोग को भी लगता होगा। गाइस दादाजी प्रणाम। खुश रहो बाबू, खुश रहो। मॉर्निंग बच्चो, ये देखिए लड़कों को खिला रहे है, टहरा रहे, घुमा रहे है। बच्चों हम तो पूजा कर चुकी, माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं, हमारे बच्चे जितने देखते हैं हमारे दर से खूब कुशल मंगल से रहे, खूब सुखी रहे, खूब फूल के लेखा फुलाई रहे। तो भाई साहब इधर देखिए मम्मी जी आ रही है दूध लेके, इतना दूध क्या होगा? ये तो खीर बनेगा। तो गाइस आज खीर बनने वाला है, मेरे घर में बनेगा, मेरी दीदी एक रहती है उनके घर पे जा रहा था, इतना ही मिला है बस। अब हम कहीं पर मांगी है तो फिर ले आना पड़ेगा। तो गाइस अभी नाश्ता रेडी हो चुका है, देखिए मेरा फेवरेट सब्जी बना आज करेला का सब्जी और मम्मी जी निकाल रही यहाँ पे नाश्ता और साथ में मेरा बेटा भी है। खाओगे बेटी? बच्चों आओ हम तो आप लोग का नाश्ता निकाल रही है, आओ हम लोग मिलकर सब्जी ने पूरे फैमिली हम लोग खा लिया जाए। तो गाइस आज भूख काफी तेज लग रहा है, जैसे लग रहा पेट में चूहा गुजरा। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि भैया उधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो गाइस भैया उस तरह खाते हैं तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भैया का शुरू से आदत ही वैसे हो, गाइस समझ सकते हैं आप लोग। और गाइस इधर देखिए बाबू अभी मम्मी के पास मस्त खेल रहा है, नहाओगे नहीं? नहाएगा नहीं? तो गाइस नहाने वाला नहीं है। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है अभी एंड गाइस जा रहे हैं अभी डीजल लेने के लिए क्योंकि खेत में पानी सींचने जा रहे हैं। भाई साहब इधर देखिए मम्मी जी भी ले लिए बाल्टी, इसमें एक गैलन और पट्टा भी ले लिए। अब तो हम लोग जा रहे हैं खेत में बच्चों, पट्टा तो चल गया, खेत थोड़ा बचा है तो हम लेकर जा रहे हैं। भाई साहब आ चुके हम लोग पेट्रोल पंप पे, कितना सी हो भाई? 550। भैया 550 का डीजल डाल दीजिए, पेट्रोल नहीं डीजल इधर वाला। इस तेल एकदम भर चुका है, इसके लिए देसी जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग, गिरेगा नहीं शिवम भाई, नहीं मस्त है। तो बेसिकली गाइस आ चुका हूँ अभी वाटर पंप के पास। तो गाइस देखिए इसमें डीजल वगैरह डालते हैं, बाकी यहाँ पे भैया जी इसको पूरा फिट फाट कर दिया लगाकर। तो भाई साहब डीजल डीजल शिवम भाई डालिए। तो गाइस अभी सुबह सुबह आ चुके हैं हम लोग फाइनली रेस्टोरेंट पे और अपने वाइफ को फर्स्ट बारी फर्स्ट टाइम विजिट किए, फर्स्ट टाइम गाइस रेस्टोरेंट पे लेकर आए, गांव में ही छोटा मोटा लेकिन यहाँ से हम लोग खाते हैं। क्या खाओगे? रसगुल्ला। भैया रसगुल्ला लगा दीजिए एक जगह। गाइस अभी देखिए बीबी को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा, इधर प्यारा सा भाई आ गया अनिल। गांव का छोटा मोटा रेस्टोरेंट अच्छा ही लगेगा ना? छोटा नहीं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा है जी। अच्छा ही मिल गया है, क्या में से ही मिल रहा है? सबसे पहले इनको मिला है, देखिए ला 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 ला। दोस्तों गाइस हम लोग फर्स्ट बार, मतलब ये तो कई बार आए हैं पर हम फर्स्ट बार आए हैं और आज खाएंगे रसगुल्ला। ज्यादा दिन से मन कर रहा था। तो गाइस अपने बीवी को खिला रहे हैं रसगुल्ला, लो खाओ। ऐसे ही प्लेट से ही खा लेगा। भाई ये आ चुका रिया के लिए स्पेशल, मजा फुल पार्टी हो रहा है आज। हाँ भाई साहब देख सकते हैं आप लोग, कान में हेडफोन लगाई रहती है और मोबाइल हमेशा देखती ही रहती हो खुद, चौबीस घंटा हमेशा हेडफोन लगाई रहती है, लो पियो। तो गाइस अभी का सीन ऐसा कि मम्मी जी और सत्यम नहा वहा कर नया कपड़ा पहन लिए और गाइस एक ही कपड़ा है मेरे पास, इसी को पहन रहा बार बार। तो गाइस शर्ट वगैरह भी लेना है एंड गाइस इधर देख सकते हैं भी न्यू साड़ी पहनी है, बाकी मम्मी जी का साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और गाइस इधर देखिए
मेरा क्यूट सा बेटा, क्यूट सा बेबी अभी नहा मार दिया, ऐसे कर दो। सो गाइस बोलो तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस आप लोग की बुला रहा, चिप्स खिलाओ दो बेटा। बच्चों अब इन तो सत्यम सीखते हैं सो गाइस बोलने के लिए, इसको बोली कर कमेंट जरूर करना। क्या बेटा? तो गाइस देख सकते हैं बाकी क्यूट सा बेबी है, बहुत ही बच्चा है मेरा बेटा। चिप्स दो हमें तो खाने के लिए, खाना है तो आप लोग को हेलो बोला, चिप्स खिला दो। तो गाइस यहाँ पे देखिए दादाजी हमारे बैठे हुए हैं और भैया के लिए ला दिए हैं शैम्पू। एंड गाइस इधर देखिए हमारी दीदी आई हुई है, आशीर्वाद ले लेते हैं। एंड गाइस घर पे सब लोग आए हैं क्योंकि गांव में एक दीदी रहती है, तो उनके यहाँ जो मेरा बहन है उसका मुंडन वगैरह है, तो जाएंगे शाम को, वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बाकी दादाजी हमारे एकदम मस्त लेटे हुए हैं। दादाजी नहाएंगे नहीं? दादाजी को नहाए कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गया सत्यम बताओ? दादाजी को तो 6 महीना नहाने बिना बीत गया है। गाइस दादाजी गर्मी में नहा नहीं रहे, नहाना नहीं है क्या आपको? नहाएंगे। तो भाई साहब अभी जा रहे हैं जूता को धुलने के लिए। एंड गाइस छोटू के मामा का शादी है, तो छोटू वगैरह भैया लोग तो सब लोग उधर चले गए, तो गाइस अभी तैयारी बन रही है वहाँ जाने के लिए, तो फाइनली जूता वगैरह चल के धुल देते हैं। तो भाई साहब अभी चल रही है घर की सफाई। एंड गाइस देखिए घर झाड़ू वगैरह लग चुका है, एकदम मस्त फ्रेश हो चुका है। और भाभी जी आज बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही है, गाइस देख ही सकते हैं आप लोग, अभी झाड़ू मार रही है। अब मम्मी को नहीं लगाना झाड़ू, अब आपको तो लगाना ही नहीं है। हमको तो काम से फुर्सत मिल गया, ये तो हम सत्यम के खिलाती हैं, अब बहुरानी तो बहुत काम करती है। तो गाइस मम्मी जी का कुछ तो जिम्मेदारी खत्म हो चुका है मम्मी जी, तो मम्मी जी को झाड़ू मारना हमको भी मारना पड़ता था गाइस, क्या करेंगे। बाकी गाइस देख सकते हैं आप लोग पूरा भाभी एकदम चारों तरफ साफ कर दिया। गाइस मिट्टी वाला घर है ना, तो ऊपर से सारा गिरता है नीचे, देखिए ऐसे ऐसे फूट गया वहाँ पे, ऐसे फूट फूट के नीचे गिरता है तो गंदा हो जाता है। नहीं मम्मी जी पूरा वो गिरता है छूट छूट के, देखिए गाइस यहाँ से छूटेगा तो ऐसे ऐसे गिरता ही रहता है। नहीं घर तो बहुत ज्यादा दिन के है बच्चों, ये तो घर का माटी निखर गया है, तो भुर गिरता है तो घर नीचे गंदा हो जाता है। तो गाइस इस ब्लॉग के यही पेंट करते हैं। और गाइस बता दें आप लोग से, कल तो मेरा ब्लॉग नहीं आया तो गाइस अच्छा नहीं लगता, एक दिन आप लोग को ब्लॉग नहीं दिखाते हैं तो गाइस ऐसे होता है कि क्या हो गया। जैसे आप लोग भी गाइस मेरे मम्मी पापा भैया दीदी भाई जैसा हैं, तो आप लोग को अपने बारे में नहीं बताता हूं, तो गाइस मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और सत्यम भी बोल रहा, पापा बोल रहा गाइस देखिए। आप तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो कहते हैं पापा। तो गाइस खेती बाड़ी का काम चल रहा, तो मम्मी जी भी खेत चली जा रही है, तो गाइस समझ ही सकते हो फैमिली सिचुएशन, क्योंकि गांव में गाइस अभी खेतीबाड़ी का काम चल रहा है तो लोग इधर उधर चले जा रहे हैं, इसके कारण गाइस ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि काम भी देखना है और घर का भी काम देखना है। और गाइस मुझे भी कहीं जाने का घूमने का मन कर रहा, तो गाइस देखिए प्लानिंग जल्दी बन रहा है, घर छोड़ के जाएंगे, आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाएंगे। बाकी गाइस जो हमारे रियल लाइफ में होता है, हमारे फैमिली में होता है, आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोग को अच्छा भी लगता होगा, तो भाई को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करके मुझे खूब आगे बढ़ाइए। और गाइस आप लोग बोलते हैं दीपू भाई आपसे बात करना है, तो गाइस मेरे से बात करने के लिए ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी 38, आप लोग फॉलो कर लीजिए। नमस्ते प्रणाम जय हिंद लव यू ऑल।